स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार क्यों होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, हमने पार्ट ऑफ स्पीच के आठों भेद के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से एनालिसिस किया था और नाउन के भेद को भी मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के भेद को समझेंगे, मतलब कि प्रोनाउन अकेला मान के चलिए कि अपना खुद का एक बाहुबली है, तो इसके कितने संतान हैं, इसके प्रत्येक संतान की क्या क्या कैरेक्टर है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के भेद। हम लोग अच्छा सोचिए, थोड़ा देर के लिए सोचिए कि हम लोग जो स्पीच बोलते हैं ना, स्पीच बोलते हैं, तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच जो हम लोग पढ़े थे उसमें टोटल के टोटल आठों के आठ हम बहुत अच्छे ढंग से समझाए थे। तो जो स्पीच हम लोग बोलते हैं ना, उस क्रम में कोई वर्ड नाउन के साथ जाता है, तो कोई वर्ड प्रोनाउन, तो कोई एडजेक्टिव, तो कोई वर्ब, तो कोई एडवर्ब, तो कोई प्रीपोजिशन, तो कोई कंजक्शन, तो कोई इंटरजेक्शन, ठीक है ना। लेकिन हम जब बोलते हैं ना, तो सिर्फ ये कह देना उचित नहीं है कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है। वर्ड देखते ही आपको उस वर्ड की पहचान करना होगा कि नाउन भी है तो ये किस प्रकार का नाउन है, अगर ये प्रोनाउन वर्ड भी है तो किस प्रकार का प्रोनाउन है। उसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग क्या है, प्रोनाउन तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि प्रोनाउन जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, कहां पर, सुनिएगा फिर से, मैं उस चीज को रिपीट कर देना चाहता हूं और उस चीज को रिपीट करके आपके दिमाग में फिट कर देना चाहता हूं। सुनिएगा, नाउन किसे कहते हैं, दुनिया की हर चीजें, जो चीजें आप देख रहे हैं ना, उस वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, और उस नाउन के जगह पर इस्तेमाल जिस वर्ड को किया जाता है ना, माने उस नाउन को सूचित करने के लिए जिस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं ना, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं भाई, नाउन के जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, तो राम की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, ही इस्तेमाल कर दिया, मतलब कुल मिला जुला करके ही क्या है, बोलिए, प्रोनाउन है। अच्छा, मान के चलिए कि शीला नाम की एक लड़की है बेचारी, और इस शीला के जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया, शी। आपके जगह पर मान के चलिए मैंने बोला कि आप सभी विद्यार्थी, विद्यार्थी, और विद्यार्थी के जगह पर मैंने यू इस्तेमाल कर दिया कि आप मान के चलिए मेरे विद्यार्थी, और विद्यार्थी के जगह पर मैंने यू इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थी के जगह पर दे इस्तेमाल कर दिया, दे, ठीक है ना। तो ये दे क्या है, कहीं ना कहीं से ये प्रोनाउन वर्ड है, लेकिन इस प्रोनाउन के भी कई भेद होते हैं और उन सारे भेद को मैंने लिख दिया है। प्रोनाउन ये मान के चलिए कि प्रोनाउन क्या है, ये बाप है और इसके ये संतान है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, मतलब टोटल मिलाकर के 10 प्रोनाउन है। अब इन 10 के अलग अलग कैरेक्टर है, अब हम आपको जब बताएंगे ना, बड़े ही बारीकी से बताएंगे, बड़े ही इत्मीनान से इस वीडियो में पूरा के पूरा हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन को समाप्त करेंगे। और अंततः यानी इस वीडियो के अंत में, पता है, इससे रिगार्डिंग जो 10th 12th में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है इसी बेस पर, ठीक है ना, वो टोटल के टोटल हम लोग कुछ क्वेश्चन करके हम लोग प्रैक्टिस भी कर जाने वाले हैं, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन तो हम लोग जान गए भाई, और टोटल मिला करके प्रोनाउन वर्ड 7 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं। अब मैं वो 7 लिख दूं क्या, आई हाउ मेनी प्रोनाउंस, ठीक है ना। तो कितने प्रोनाउंस वर्ड होते हैं, हाउ मेनी प्रोनाउंस वर्ड, तो 7 होते हैं। देयर आर 7 प्रोनाउंस वर्ड। देखिएगा, पहला तो हो गया आई, दूसरा हो गया यू, उसके बाद से हो गया ही, उसके बाद से सी, उसके बाद से दे, उसके बाद से वी, उसके बाद से इट। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब मान के चलिए कि ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। अब इसके पोसेसिव केस भी होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसके पोसेसिव केस भी होते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव भी केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अब आप कहेंगे सर, मान के चलिए कि ये 7 है, तो क्या ये केवल 7 ही प्रोनाउन वर्ड है, नहीं मेरे भाई। अगर प्रोनाउन की बात कर दें तो सुनिएगा, ये 7 प्रोनाउन ओरिजिनल माने मैनली जो मुख्य रूप से, अगर आपसे पूछ दे कि प्रोनाउन कितने वर्ड हैं, ठीक है ना, तो आप 7 बताएंगे, लेकिन 7 के अपना पोसेसिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी है, लेकिन टोटल मिलाकर के अगर इसको बंडल में रख दो, एक डब्बे में रख दो और कहो कि बताओ इस डब्बे में कौन सा वर्ड को रखे हैं, तो आप कहेंगे कि ये प्रोनाउन वर्ड को रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आई, अगर मान के चलिए सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा है, जो जो सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल होगा, समझ लेना वो क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का कौन सा भाग है,
पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि जो सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो सबसे पहले, मान के चलिए जो हम लोग कोई भी वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य बोलते हैं तो पहले एक नंबर में किसी को रखते हैं, फिर दो नंबर में रखते हैं, फिर तीन नंबर में, फिर चार नंबर में। मान के चलिए कि पहले नंबर में सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से मेन वर्ब को, उसके बाद से अदर सब्जेक्ट अदर वर्ड को रखते हैं। तो जो एक नंबर स्थान पर रहता है ना, ये हो गया प्रोनाउन का क्या चीज़, पर्सनल प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन का पहला बेटा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर रहता है। कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि देयर आर सेवन प्रोनाउन वर्ड्स, ठीक है ना, जो पहले ही स्थान पर आता है और इसका अपना खुद का पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, और वो भी टोटल मिला करके हम कह सकते हैं कि वो पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर जाकर के इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कहने के लिए तो हम लोग कह देंगे ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल हुआ है ये डिपेंड करेगा। सुनिएगा आप ध्यान से, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन, मान के चलिए ये फादर है, ठीक है ना, और ये फादर के जितने भी सॉन हैं, जितने भी बेटा हैं, सोचिए नाउन अपने पांच लड़के को पैदा किया था, प्रोनाउन तो दस बच्चे को, दस को संतान को पैदा कर दिया, और दसों संतान के कुछ अलग अलग कैरेक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति, सुनिएगा, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। देख लिया आपने, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले वो वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे तो आप कहिए देते हैं कि जो सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है या जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, वो हो गया आपका प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, तो ये हो गया क्या चीज़ आपका, पर्सनल प्रोनाउन। अब जैसे मान के चलिए कि सेंटेंस में अगर आपसे मान के चलिए कि एक सेंटेंस दे दे कि आई एम गोइंग टू पटना, और बोलेगा कि बताइए इसमें पर्सनल प्रोनाउन कहाँ है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोनाउन कहाँ है, तो ये है आई, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन। तो बातें समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ दे दूसरा, ये पूछ दे कि जैसे मान के चलिए कि अगर पूछ दे कि दे आर हैप्पी है, वे लोग खुश हैं, तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन है, कमेंट करके बताइए। ये हो गया आपका दे, यानी दे हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब बात करते हैं, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब आइए, ठीक है, अब आइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव, जिसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक है ऐसा प्रोनाउन, माने ऐसा प्रोनाउन वर्ड जो किसी वर्ब के लिए प्रयोग किया जाए। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। जो ये हम लोग पढ़े ना, आई यू ही सी दे वी इट, इसका एक पोसेसिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे कि मैंने दो टर्म में आपको समझाया। अब यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, यहीं पर मैं सब कुछ समझा दूंगा और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। मान के चलिए कि एक आप सुने होंगे माई सेल्फ, ठीक है ना, ठीक है ना, हिम सेल्फ, ठीक है ना, या हर सेल्फ, या देम सेल्फ, ठीक है ना, ऐसा आप सुने होंगे। सिंगुलर बनाने के लिए सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, प्लुरल बनाने के लिए, ठीक है ना, सेल्फ्स का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आप दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ग्रामर में। सुनिएगा, जब भी कभी ये माई सेल्फ या हिम सेल्फ या हर सेल्फ या जो भी, मतलब सेल्फ से रिगार्डिंग जो वर्ड तैयार होते हैं, बस देखिए मैं डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट कर रहा हूँ, ज़्यादा मतलब अदरक लहसुन प्याज के चक्कर में पड़िएगा, उसके डीपली जाने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग के ऊपर से बाउंस करेगा और क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाने का एक अचूक तरीका, एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक और लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट जहाँ भी माई सेल्फ देखिएगा ना, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, जब भी इस तरीके का वर्ड देखिएगा, डायरेक्ट आपको क्या करना है, समझ जाना है कि ये क्या है, ये एक क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जो किसी वर्ब के लिए प्रयोग किया जाए। अब मैं इसका बता दे रहा हूँ कि किस तरीके का देखिएगा, तो सुनिएगा, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ हो, लगा देना, लेकिन कहाँ पर, किस तरीके से, मैं बता रहा हूँ, वो भी कंडीशन बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन खटक गया होगा, लेकिन उसका भी सोल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ है ना, यहाँ सुनिए, आई विल गो माई सेल्फ, ठीक है ना, मैं अपने आप जाऊंगा, और एक सेंटेंस है आई माई सेल्फ गो, सुनिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, आई विल गो माई सेल्फ, मैं अपने आप जाऊंगा, आई माई सेल्फ गो, मैं खुद जाऊंगा। तो देखिए होता क्या ना,
कि इन सेंटेंस में कोई खास अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा का अंतर है। जो माई सेल्फ प्रयोग हो रहा है ना, वो सब्जेक्ट पहले हो जा रहा है और सब्जेक्ट के लास्ट में, माने इस सेंटेंस के लास्ट में माई सेल्फ यूज हो रहा है। कहाँ पर यूज हो रहा है? माई सेल्फ सब्जेक्ट के थ्रू जो सेंटेंस तैयार हो रहा है, जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो मेन वर्ब हो गया, और लास्ट में माई सेल्फ यूज हो रहा है। मैं अपने आप जाऊंगा, तो आई विल गो माई सेल्फ, इसका सही ट्रांसलेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो आई विल गो माई सेल्फ, तो देखिएगा सब्जेक्ट पहले तो लग गया, ये बात ठीक है, लेकिन कभी भी लास्ट में जब आपको दिखाई दे, माने सेंटेंस के लास्ट में माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये जब लास्ट में दिखाई देना, तो समझ जाना कि ये क्या है, ये एक निजवाचक सर्वनाम है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट के साथ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और किस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसके साथ? तो सुनिएगा, वर्ब के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि मैं जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊंगा? अपने आप जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं से गो के बगल में लग रहा है, यानी कि कभी भी वर्ब के बगल में ही आपको देखने को मिलेगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, जो भी पोसेसिव केस जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये आपको पोसेसिव प्रोनाउन कहाँ देखने को मिलेंगे? वर्ब के बगल में, वर्ब के राइट साइड, वर्ब के लास्ट में देखने को मिलेगा, सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के वाक्य में जब भी आपसे पूछ दे कि बताइए कि इसमें का निजवाचक सर्वनाम बोले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है, तो आप सेंटेंस देख करके माई सेल्फ को चुनेगा। लेकिन जब भी कभी आई माई सेल्फ गो रहेगा, तो समझ जाना कि यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन है, निश्चित वाचक सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जो किसी सब्जेक्ट के लिए किया जाए, यानी कि ये जो हो रहा है ना, ये माई सेल्फ, ये माई सेल्फ सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि आई के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत माई सेल्फ का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जो पोसेसिव केस को सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो और सब्जेक्ट के साथ किया जा रहा हो, या सब्जेक्ट के बगल में राइट साइड में किया जा रहा हो, तो समझ लेना ऐसे सेंटेंस में माई सेल्फ ये क्या कहलाएगा? तो इम्फेटिक प्रोनाउंस। अब आपसे एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, पता है कैसे पूछता है? क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना, कि मैंने आपको मान के चलिए कि पूछ देगा कि पिक आउट द इम्फेटिक प्रोनाउंस ऑफ गिवन सेंटेंसेस, और आपको चार को सेंटेंस दे देगा। मान के चलिए आई विल गो माई सेल्फ, आई माई सेल्फ गो, ठीक है ना, समझिएगा इस बात को, या आई विल माई गो, आई विल माई सेल्फ गो, या आई माई सेल्फ विल गो, ऐसे करके मैंने तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट करके दे देगा। लेकिन आपको क्या चुनना होगा? आपको वही चुनना होगा जो सब्जेक्ट के बगल में हो। क्या मतलब? जो सब्जेक्ट के बगल में हो, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर आई है ना, यहाँ पर यू भी रहे हैं, ही भी रहे हैं, शी भी रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जस्ट बाद, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद पोसेसिव प्रोनाउन का अगर प्रयोग किया जाए, यानी माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ या देम सेल्फ इस्तेमाल किया जाए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आ जाए, तो समझ लेना कि वो क्या है, वो है इम्फेटिक प्रोनाउंस। लेकिन सेंटेंस के लास्ट में अगर माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए, तो वो समझ लेना कि रिफ्लेक्सिव है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आई होप कि आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मतलब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो यूट्यूब ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया है कि आप 3 डॉट पर क्लिक करके आप स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब चलिए हम लोग चौथे नंबर पर वार करते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस, अधिकार वाचक सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जिससे अधिकार जमाया जाए, देखिएगा ऐसा प्रोनाउन जिससे अधिकार जमाया जाए। अब अधिकार कैसे जमाना है, तो सुनिएगा, जैसे कि आप माइन वर्ड देखे होंगे, योर्स देखे होंगे, योर्स, आवर्स देखे होंगे, ठीक है ना। अगर हमको कहना है, जैसे मान के चलिए दिस पेन इज माइन, तो हम इस कलम के साथ अधिकार जमा रहे हैं कि नहीं जमा रहे हैं? सोचिए, इस कलम के साथ हम अधिकार जमा रहे हैं कि नहीं जमा रहे हैं? और देखिए यही सब है, प्रोनाउन में जितने भी प्रकार है ना, बहुत ही सोच समझ के इसको बारीकी से समझना है। अभी तक हम लोगों ने जो भी समझा, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लिया, अब जो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या, अधिकार वाचक सर्वनाम बोले तो पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। और देखिएगा पोसेसिव प्रोनाउन्स को पिक आउट करना बहुत आसान है, कैसे, तो जिस शब्द के साथ, ठीक है ना, जिस शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के ऊपर अधिकार जमाया जाए, तो वो शब्द क्या कहलाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन्स कहलाएगा, अधिकार वाचक सर्वनाम कहलाएगा। कैसे, सुनिएगा, जैसे दिस पेन इज माइन, दिस मार्कर इज माइन, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि आई एम योर्स टीचर, मैं आप लोगों का शिक्षक हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं एक अधिकार दिखा रहा हूँ,
कि मैं आप लोगों का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। मैंने आप लोगों के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपका टीचर हूँ, मतलब कि आप लोगों को मैं अधिकार दे रहा हूँ कि आप कह सकते हैं कि मैं, ये मेरे टीचर हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जो भी आपके अपने आदमी है ना, तो बोलते हैं कि दिस पर्सन इज माइन, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप कह सकते हैं कि दिस गर्लफ्रेंड इज माइन नॉट योर, ठीक है, ये गर्लफ्रेंड मेरी है, ठीक है ना। हालांकि मतलब तो आजकल मतलब ऐसा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसीलिए मैंने बोल दिया, मतलब इस भावनाओं में मतलब बह करके थोड़ा सा बोल दिया, बट इस बात को डोंट टेक सीरियस इट। तो दिस पेन इज माइन, जब भी कभी ऐसा प्रोनाउन वर्ड जिस वर्ड के साथ किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार जमाया जाए, उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं से पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। ऐसा प्रोनाउन जिसे अधिकार जमाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जिसके साथ हम क्या करें, उस वर्ड के साथ हम अधिकार जमा सके किसी के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। पूरा दिमाग में फिट कर लीजिए। तो दिस पेन इज माइन, दिस टेबल इज माइन, दिस चेयर इज माइन, ठीक है ना, दिस चेयर इज योर्स, ये तुम्हारा चेयर है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ पर अधिकार जब जमाते हैं ना, तो इस टाइप के सेंटेंस आपको क्या देखेंगे, माइन, योर्स, आवर्स, जब भी वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ लेना वो पोसेसिव प्रोनाउंस है। अब चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और पांचवें नंबर पर वार करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जहाँ से जिस ऐसा वर्ड, देखिए ऐसा प्रोनाउन वर्ड जिस प्रोनाउन वर्ड के साथ हम किसी व्यक्ति या वस्तु को हम संकेत दे सकें, संकेत कर सकें, जिसे संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा जिस प्रोनाउन वर्ड के साथ, यानी जिस प्रोनाउन वर्ड से हम लोग सूचित या इंगित करें, ठीक है ना। कैसे भाई, तो सुनिएगा, जैसे हमको कहना है दिस इज माई पेन, तो हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ठीक है ना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज माई पेन, ठीक है ना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज माई टी शर्ट, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं दिस इज माई गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। तो अपने गर्लफ्रेंड को हम क्या कर रहे हैं, इशारा करके बता रहे हैं, यानी हम इंगित कर रहे हैं, हम सूचित कर रहे हैं। तो दिस क्या हो गया, डैट क्या हो गया। उसी तरीके से अगर हमको कहना है कि डैट इज माई ब्रोदर, वह मेरा भाई है, तो डैट हो गया, दिस हो गया, या दिस हो गया, ये सभी दिस ऑल आर माइन, ठीक है ना, ये सभी मेरा है, ये सब मेरा है। तो भले ही माइन आपका क्या हो जाएगा, पोसेसिव मतलब प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन की बात, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जब बात आती है ना, तो उसके पहले स्थान पर जो इस्तेमाल होता है ना, देखिएगा एकदम क्या हो रहा है, एकदम लाइन बाय लाइन से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए अभी मैं क्या बता रहा था, पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। अब जिस पोसेसिव प्रोनाउन को हम मैंने जिस सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन वर्ड को रख करके इस्तेमाल करते हैं, अब वहीं सब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड अब क्या हो गए हैं आपके साथ, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह, संकेतवाचक सर्वनाम की तरह व्यवहार होने लगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्या मतलब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि दिस इज माई गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। तो माई को हटा दीजिए, दिस गर्लफ्रेंड इज माइन, ठीक है ना। तो कैसा हो रहा है, डायरेक्ट दिस इज माई गर्लफ्रेंड, तो ये तो हो गया या मेरी, ठीक है ना। लेकिन कहने मतलब दिस गर्लफ्रेंड इज माइन, ठीक है ना, दिस पेन इज माइन, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग मतलब इस मार्कर पर अधिकार जमा रहे हैं। तो माइन क्या हो गया, आपका पोसेसिव प्रोनाउन। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जब बात आती है, तो जिस सब्जेक्ट के स्थान पर रख करके जिस वर्ड, जिस प्रोनाउन वर्ड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या चीज़, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो ये दिस हो गया, ठीक है ना, चाहे डैट हो गया, चाहे दीज हो गया, चाहे दोज हो गया, जब भी कभी सेंटेंस में ऐसा दिखे, ठीक है ना, तो समझ लेना दिस डैट दिस दोज, जो इंगित करे, जो इशारा करे कि डैट पर्सन, दिस पर्सन, ठीक है ना, दिस ऑल आर, ठीक है ना, दोज ऑल आर, जब भी कभी इस तरीके से बातें आए, तो समझ लेना वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड है। तो ये क्या क्या हो गया, दिस डैट दिस दोज, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड। बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वर्ड। इंटरोगेटिव का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा और याद आ गया होगा कि एक ऐसा प्रोनाउन वर्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज करे, ठीक है ना, जो किसी सब्जेक्ट या किसी वस्तु के साथ क्वेश्चन अराइज करे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछे, एक ऐसा प्रोनाउन वर्ड जो प्रश्न पूछे, जैसे कि आप देखे होंगे हु आर यू, हु आर यू, आप कौन है, हु आर यू, आप कौन है। तो कहीं ना कहीं से इस सब्जेक्ट के साथ, इस प्रोनाउन वर्ड के साथ इसका लगाव हो रहा है कि नहीं। तो जो जो प्रोनाउन वर्ड के साथ लगाव हो और उस प्रोनाउन पर कुछ ना कुछ विचार सुविचार करे, तो समझ लेना वो प्रोनाउन वर्ड के कुछ मतलब हिस्सा है, कुछ पार्ट है, कुछ उसका मतलब समझिए तो बेटा लग रहा है,
तभी तो मान के चलिए हूँ क्या है, ये भी प्रोनाउन का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जो क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट को पूछ रहा है कि बताइए कि हूँ आर यू, आप कौन है, यानी किसी सब्जेक्ट से पूछ रहा है कि हूँ आर यू या व्हाट आर यू, आप क्या हैं, ठीक है ना, या हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन हैं, ठीक है ना, यानी कि कहीं ना कहीं से क्या कर रहा है, क्वेश्चन अराइज कर रहा है। तो जब भी कभी हूँ या व्हाट, ठीक है ना, या हुम, ठीक है ना, जब भी कभी आ जाए हुम, ठीक है ना, तो समझ लेना कि क्या है, ये एक क्वेश्चन अराइज करने वाले प्रोनाउन वर्ड है, और इस प्रकार के वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सात नंबर में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या हो रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी एक ऐसा प्रोनाउन वर्ड जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, जो दो वाक्यों को जोड़ करके, ठीक है ना, मतलब एक लंबा वाक्य बना रहा है और जिसमें प्रोनाउन वर्ड भी इस्तेमाल हो रहा, ऐसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़े, जैसे कि द पेन विच इज इन, ठीक है ना, रेड, जो कलम जो लाल है, इज माइन, ठीक है ना, वो मेरा है। मतलब कि अगर आपको कहना होगा कि आई नो वेरी वेल डैट कि देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हेयर, बट द स्टूडेंट हु इज इन वेल माइंड, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, द स्टूडेंट यहीं पर लिख दे रहा हूँ, द स्टूडेंट हु इज इन वेल माइंड या इन राइट माइंड, जो सही दिमाग का है, ठीक है ना, सही दिमाग का है, इज माई फेवरेट स्टूडेंट, समझिएगा इस बात को, है द स्टूडेंट हु इज इन वेल माइंड या राइट माइंड इज माई फेवरेट स्टूडेंट। आई नो वेरी वेल देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट हेयर, बट द स्टूडेंट हु इज, देख रहे हैं ना, हु इज, यानी कि सेंटेंस के बीच में क्या इस्तेमाल हो रहा है, हु, ठीक है ना, या ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्टूडेंट विच इज इन वेल ड्रेसेस, ठीक है ना, विद्यार्थी जो वेल ड्रेसेस में है, ऑल आर माई फेवरेट स्टूडेंट, वो सभी के सभी जो वेल ड्रेस में, वो मेरा एक पसंदीदा विद्यार्थी के रूप में है। तो कुल मिला जुला करके हूँ या विच जब भी कभी सेंटेंस के बीच में रह करके और सेंटेंस को जोड़ करके लंबा बनाता है वो क्या कहलाता है, आइए देखते हैं क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अब लास्ट में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बड़ा इत्मीनान से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सुनिएगा आठ नंबर में, इंडिफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जो निश्चित व्यक्ति का बोध ना करे। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ सर, ये निगेटिव सेंटेंस क्यों लिख करके आप हमको समझा रहा हूँ ना, सुनिएगा। जैसे हमको कहना है, सपोज मान के चलिए अगर हम कह रहे हैं कि वह, तो वह से मालूम चल जा रहा है कि मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ, या मैं मान के चलिए कि बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और कह रहा हूँ अरे मिस्टर राहुल यू स्टैंड अप और प्लीज़ टेल मी कि आप मेरा फी क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरा पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरा पैसा जो है, जो मंथली चार्ज है, वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो डायरेक्ट सभी विद्यार्थियों को एक बात पता चल जा रहा है कि राहुल को मैंने खड़ा कराया और राहुल को खड़ा करा करके मैंने फ़ी के बारे में कंसल्ट कर रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हेयर बट देर इज एनी वन हु इज़ इन ड्यूज पेमेंट, एक ऐसा विद्यार्थी है जिसका पेमेंट ड्यूज है और वो ड्यूज पेमेंट में है, ठीक है ना, आई विल नॉट टेक हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज देर इज़ अ पॉइंट ऑफ रेस्पेक्ट, यहाँ पर इज्जत की बात है। मतलब कि एनीवन, यानी कि एनीवन जब भी बात आए तो एनीवन से क्या आपको ज्ञात हो रहा है कि किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, नहीं ना, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो निश्चित व्यक्ति का बोध ना करे, एनीवन या फिर नॉन है, नॉन या नाइदर, नाइदर हो गया चाहे आइदर हो गया, ठीक है ना, आइदर यू और ही, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो जब भी कभी नॉन, एनीवन या समबडी, मतलब इस टाइप का वर्ड, ठीक है ना, अगर इस टाइप के वर्ड देखने को मिल जाए, ये नाइदर आइदर छोड़ दो, ये एनी वन, नॉन और somebody आ जाओ, somebody, ये सब वर्ड जब भी देखने को मिलता है जिससे क्लियर ही नहीं हो किस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्सन, आई नो वेरी वेल डैट, सो एनी वन कैन टेल मी डैट टू हुम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, मतलब कुल मिला जुला करके अगर जब भी कभी आपसे मतलब बोला जाता है कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात करूँ, तो एनी भी क्या हो गया, एनी कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन,
लेकिन आपको पता नहीं चला वो कौन सा पर्सन है। अगर वो पर्सन के बारे में पता चल जाता तो पूरा का पूरा मतलब क्या हो जाता है, मतलब परफेक्ट पता चल जाता है, ठीक है ना, जिसमें पूरी जाति का बोध हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो बात है नहीं, मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ, एनी सम एनी वन या नॉन, ये जब भी कभी ऐसा वर्ड देखने को मिलता है ना तो समझ लेना कि वो क्या है, वो कहीं ना कहीं से इंडिफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं 9 नंबर का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टि वाचक सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जो बांटने का कार्य करें, क्या करें, बांटने का काम करें। सुनिएगा ध्यान से, अब प्रोनाउन में एक ऐसा वर्ड होता है जो बांटने का काम करे, कैसे भाई, तो सुनिएगा, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मिटा दिया, मैं उसी में लेकर के चला गया था गलती से, सुनिएगा, आइदर हो, ठीक है ना, चाहे नाइदर हो, नाइदर हो, आइदर का मतलब होता है चाहे, नाइदर का मतलब नहीं तो, ठीक है ना। तो सुनिएगा, आइदर यू और ही कैन गो, ठीक है ना, टू बाई सम वेजिटेबल्स। सपोज मान के चलिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आइदर यू और ही, तो क्या इससे आपको पता चल रहा है कि मैं दोनों के अलाउ कर रहा हूँ, नहीं ना, मैं कह रहा हूँ आइदर यू और ही, चाहे तुम चाहे वो, कोई जाए जा सकता है, एनी वन कैन गो, नो प्रॉब्लम। तो एनी वन यानी कि एनी वन से डायरेक्ट क्या पता चल रहा है, अनिश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे हम भी नहीं जानते हैं कि कौन जाने के लिए तैयार है, तो एनी वन तो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि आइदर यू और ही, दोनों में से कौन, तो हम जो ऑप्शन दे रहे हैं तो हमको पता है कि दोनों में से किसी एक को भेजने का ही हम काम करवा रहे हैं। तो आइदर यू और ही जब भी बात आए, आइदर वर्ड, तो ये बांटने का काम कर रहा है कि नहीं, तो एक ऐसा वर्ड जो बांटने का काम कर रहा है। और मैं कहूँ कि नाइदर यू नॉर ही, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं जाएगा, है नाइदर यू नॉर ही, न तुम न वो, कोई नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर बांटने का काम चल रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके एक ऐसा प्रोनाउन वर्ड जो बांटने का काम करे वो किस में आ जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब अंत में हम लोग 10 नंबर पढ़ेंगे और इससे रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है, पारस्परिकता वाचक सर्वनाम। अब रेसिप्रोकल तो दो ही प्रोनाउन वर्ड को गोद ले लिया है, एक है ईच अदर, एक हो गया वन एन अदर। देखिए भाई, ईच अदर और वन एन अदर में बस ज़्यादा का अंतर नहीं है, ईच अदर मतलब भी होता है एक दूसरे को, और वन एन अदर मतलब भी होता है एक दूसरे को। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ईच अदर का मतलब हुआ कि जब दो पार्टी, सुनिएगा ध्यान से, जब दो पार्टी और दोनों मेल हो, सुनिएगा, एक मेल दूसरे मेल से दोस्ती रखा है, तो हम कह सकते हैं कि दे बोथ लव ईच अदर, दे बोथ लव ईच अदर, दे बोथ, ठीक है ना, ये दोनों लव ईच अदर, लव ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जब भी बात आती है वन एन अदर की, तो यहाँ पर एक तरफ मेल और दूसरे तरफ फीमेल रहती है, मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है ना कि वन एन अदर बोला जाता है। अगर हमें कहना होगा कि सर आप इसको छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि लड़का लड़की से प्यार करती है, लड़की लड़का से, यानी सब माने दोनों एक दूसरे को चाहता है। तो जब भी कभी इस तरीके की बात आए सेपरेटली ये बात कहने के लिए, जहाँ पर एक दूसरे के मतलब शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जाए कि छोड़ दीजिए सर, ये लड़का लड़की से प्यार करता है और ये लड़की लड़का से प्यार करता है, मतलब एक दूसरे को वे लोग चाहते हैं, तो हमको अगर कहना होगा कि दे बोथ, ठीक है ना, लव वन एन अदर, तो वन एन अदर यहाँ पर वही हुआ कि एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक लड़का हो गया एक लड़की। तो ध्यान में रखिएगा, ईच अदर और वन एन अदर को इस्तेमाल करने के तौर पर, यहाँ पर ईच अदर का इस्तेमाल जब दोनों मेल हो या जब दोनों फीमेल हो, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या, मतलब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और वन एन अदर का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को चाहते हैं जरूर, लेकिन एक मेल है जो फीमेल को चाहता है, एक फीमेल है जो मेल को चाहता है। तो यहाँ तक बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया ना। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि मतलब इतनी लंबी क्लास होने के बाद मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मेरा तो दिमाग ही हिल गया, तो कोई बात नहीं है, वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं, चाय वगैरह पीते होंगे तो चाय भी पी सकते हैं, बिस्किट वगैरह खा करके पानी वानी पी करके बढ़िया से, ठीक है ना, और उसके बाद से फिर वीडियो को, ठीक है ना, वहीं से ही फिर प्ले कीजिए और समझने की आगे कोशिश कीजिए, क्योंकि दिमाग पर लगातार सुनने से थोड़ी सी बर्डन फील होती है, बट नो मैटर, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है ना, इससे आप कोई डिजीज़ और कोई बीमारी और किसी पीड़ा के शिकार नहीं कहलाएंगे। मतलब किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है कि बहुत लंबी वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा लगता है अरे यार मैंने क्या क्या सुन लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे करके आप थोड़ा सा चाय वाय पी करके बढ़िया से अपने दिमाग को स्टिमुलेट करके उसके बाद से फिर से आप, ठीक है ना, पूरी मतलब अपने आप को एनर्जी के साथ फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ,
अगर यहाँ तक आपको अगर हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते पिछला भूल गए तो फिर इस वीडियो को प्लेबैक कर सकते हैं, मतलब कि वीडियो को शुरू से फिर देख सकते हैं और आराम आराम से देखने के बाद ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देर के अब हम लोग इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव बनता है उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन से रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके क्लास 10th एंड 12th में क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2010 में ये पूछा गया प्रश्न है, फिर उसके बाद से बोर्ड मॉडल 2013 में जो पूछा गया था वो भी मैं निकाला हूँ, और 2017 में जो पूछा गया प्रोनाउन वर्ड से वो भी मैं निकाला हूँ। मतलब इसको आपको ध्यान में रखना। और देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात तब होती है ना कि जब आप समझ लेते हैं और समझने के बाद अगर क्वेश्चन दिया जाता है आप कमेंट करके उसका आंसर नहीं बताते ना, मुझे लगता है कि बड़े आप आलसी स्टूडेंट हो। मतलब आप तो चाहते ही नहीं हो, मतलब एक्चुअली ऐसे भी, मतलब जो बिहार बोर्ड है ना, मतलब 10th क्लास में इंग्लिश को भले ही कंपलसरी रखा है लेकिन उसका नंबर मत जुड़ता नहीं है, हालांकि सिर्फ पास मार्क की कापी होता है। आप थोड़ा बहुत कम भी लिखते हो ना, बिहार बोर्ड के जितने भी मतलब एग्जामिनर होते हैं ना, वो साइन करते हैं इसी तरह नंबर दे देते हैं, लेकिन कितना बढ़िया रहता अगर उसका बढ़िया से सिग्नेचर करके अगर जो लिखा है जो बढ़िया से पढ़ा है उसी का नंबर देता, अन्यथा उसको फेल कर देता, तो आपके अंदर भी डर और बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना चिंता का विषय बनता कि मतलब इंग्लिश में भी हम थोड़ा पढ़ाई कर लेते तो बेहतर होता। क्योंकि ऐसे क्लास 10 तक ना सभी बिहार के स्टूडेंट को ना इंग्लिश कमजोरे होता है। तो कुल मिला जुला करके आप समझने की कोशिश कीजिए, आखिर क्लास 12 में जाकर के इंग्लिश तो कंपलसरी 100% पढ़ना हो जाता है, नंबर जोड़ना तो दूर की बात है, पढ़ना जरूरी हो जाता है। और फिर आप उसके बाद से जो है ना, इवन आपको एक छोटा सा ट्रांसलेशन भी बनाने नहीं आता है, मतलब कि मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बहुत सारा वीडियो में छोड़ भी रहा हूँ जिसमें हम पूछते हैं, उसमें जो स्टूडेंट बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिसमें बहुत ही कम ही बना पाते हैं आंसर, ठीक है ना, मतलब उसका सही आंसर नहीं बना पाते, बड़ा बुरा लगता है यार। मतलब आप लोगों से क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोग आंसर बताइए, तभी तो मालूम चलेगा हाँ आप लोग सीख रहे हैं। यहाँ देखिएगा, पिक आउट द प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन इन गिवन सेंटेंस, जैसे कि दिया हुआ है ही इज अ फार्मर, मतलब वह एक किसान है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से, ही है कि इज है कि ए है कि फार्मर है। तो मैंने प्रोनाउन के पहले ही बेटा से आपको दर्शन कराया था कि पर्सनल प्रोनाउन कहिए या प्रोनाउन कहिए, और पर्सनल प्रोनाउन या प्रोनाउन कहिए, 7 किस्म के प्रोनाउन वर्ड होते हैं, आई यू ही सी इट दे वी, ये टोटल मिलाकर 7, और भले ही उसका पोसेसिव और उसका मतलब क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से पर्सनल प्रोनाउन में इन 7 में से जो पहले स्थान पर आता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल। तो यहाँ पर देखिए पहले स्थान पर कौन है, ही, तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद से देखिए पिक आउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन गिवन सेंटेंस, देखिए यहाँ इम्फेटिक का बात नहीं पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव का पूछ रहा है, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बर्बाद कर दिया, देख रहे हैं ना 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मैंने बोला ना, हिमसेल्फ देखिए और देखते ही लगा देना, लेकिन पूछ क्या रहा है, रिफ्लेक्सिव पूछ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव इसमें हिमसेल्फ और मतलब लास्ट में दिया है, ठीक है ना, तो लास्ट में दिया है तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, तो यहाँ हिमसेल्फ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पिक आउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हिमसेल्फ ना होगा, हिमसेल्फ आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, जो 2017 में मतलब 2017 में आते थे विद्यार्थी बहुत चलाक हो गए, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गए, बहुत ही अच्छा इंग्लिश होने लगा, तो मतलब बोर्ड क्या किया कि उस क्वेश्चन को थोड़ा अजीब तरीके से घुमा दिया। ये तो बहुत आसान है ना, पूछ दिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो आप पढ़ कर गए हैं ये बात सर से कि अरे यार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई बात नहीं, माई सेल्फ हिमसेल्फ कहीं भी देख लो लगा दो, क्योंकि ये तो अकेला पूछ रहा है ना इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ पर किसी का मतलब जो है ना कुछ लॉजिक काम करने वाला नहीं है, यहाँ पर वही लॉजिक काम करेगा जो बहुत बढ़िया से पढ़ा है, सुनिएगा ध्यान से। पिक आउट द इम्फेटिक प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ पर देखिए प्रोनाउन सेंटेंस इन द फ्लोइंग, क्या दिया है, पिक आउट द इम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस, क्या बोल रहा है, पिक आउट द इम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस, यानी इम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस को पकड़ना है इन द फ्लोइंग। अब बताइए कि इसमें कहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन वर्ड माने किस सेंटेंस में इम्फेटिक प्रोनाउन को इस्तेमाल किया गया है, ये 2017 में पूछा गया, सुनिएगा ध्यान से। आई विल गो माई सेल्फ, तो ये तो हो जाएगा इसमें, तो ये तो मिल रहा है रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिव तो मिल नहीं रहा। आई माई सेल्फ गो, आई माई सेल्फ विल गो, लो अब यहाँ पर हो गया अजीब सा बात यार, यहाँ पर जब विल है यहाँ पर विल है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा, हाई तो होगा नहीं, हाई तो होगा नहीं, और नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आई माई सेल्फ यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ का इस्तेमाल होना, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा बात नहीं है, आई माई सेल्फ गो भी सही है,
लेकिन यहाँ पर दोनों में अगर पिकआउट करने की बात आएगी ना, देखिए इसी में बिहार बोर्ड कलर का थोड़ा सा मिस्टेक किया था। 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि आई माई सेल्फ गो चुने कि आई माई सेल्फ विल गो, जबकि दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है मस्टली इसमें सबसे ज़्यादा मतलब मान के चलिए कि जो सेंटेंस तैयार किया है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ किया है, विल गो, ठीक है ना, माई सेल्फ गो, और फिर यहाँ पर विल गो और नॉन ऑफ दी, तो हम इसी के साथ में जाएंगे, मेरे को बहुत अच्छा यही लग रहा है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। और बिहार बोर्ड ने भी ऑप्शन सी ही माना था, ऑप्शन बी के साथ नहीं गया था। अब जो 4 नंबर क्वेश्चन है, पिक आउट द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और रेसिप्रोकल में 2 ही वर्ड गोद ले लिया है, रेसिप्रोकल ईच अदर और वन अनदर, तो देखिएगा राधा एंड कृष्ण लव ईच अदर, तो इसमें क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन है, राधा कृष्ण तो होगा नहीं, लव तो होगा नहीं, ईच अदर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है नहीं, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पिक आउट द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस आई दिस चेयर इज माइन, तो बताइए दिस है कि चेयर है कि इज है कि माइन है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दिस की चेयर की इज की माइन, इसमें दिए गए कौन सा ऑप्शन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन का वह भाग जो डेमोस्ट्रेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है, ऐसे वर्ड कौन है जो दिए गए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन के सारे भेदों को बहुत ही अच्छे ढंग से आपके दिमाग में फिट करने का और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश किया। हो सकता है कि कुछ बातें अगर अधूरी रह गई होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर उस पर एक अलग शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच वो बना करके उसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। लेकिन आज के लिए पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन का पूरा इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को, तब तक के लिए जय हिंद।